आज मैं आपको थैंक्स करने के लिए आई हूँ और ये कहने आई हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं मेरी यूट्यूब फैमिली वो 8,000 से ऊपर हो गई है। हालांकि ये थोड़ा सा कम लगता है देखने में, बट मेरे लिए बहुत है और आपका सपोर्ट मेरे साथ है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। और इसी उपलक्ष्य में मैं आपको लेकर आई हूँ ये प्रकृति रिजॉर्ट में, इसको दिखाने के लिए। जब भी आपको मौका मिले यहाँ जरूर आके स्टे कीजिएगा। और इनका स्टाफ इतना अच्छा है, इनके शेफ़ ने मुझे उसल की रेसिपी बताई है और फिर बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ लेके आने वाली हूँ। आप ज़रूर मेरे साथ कनेक्ट रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये डाइनिंग हॉल, अब हम आपको लेकर चलते हैं इनके डाइनिंग हॉल में। ये देखिए, तो चलिए। और अभी मेन्यू यहाँ नहीं लगा है। अगर आप इस तरफ आ रहे हैं तो जरूर ट्राई कीजिए। और सबसे अच्छा मुझे ये लगा इनका कि ये देखिए, इन्होंने अन्न की पूजा की है। ये सब गेहूं, चना, दालें, और इसमें दिया जलते हैं। सारे जो ग्लासेस हैं उसमें दिया जलता है। ये देखिए, यानी अन्न की पूजा की है, तो हमें बिल्कुल भी अन्न जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, बहुत सुंदर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये सेंटर जहाँ सैलेड डेकोरेट होता है। अभी काफी लाइट्स इनकी जली नहीं है, बट फिर भी आपको एक बार देखकर पता लग जाएगा। अभी तैयारी चल रही है। प्रकृति रिजॉर्ट, डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी यहाँ होती हैं। देखिए हर चीज को कितनी खूबसूरती से संवारा है। यानी अगर बुफे लेने जा रहे हैं आप तो अपना मास्क जरूर। बहुत सुंदर है, मीन्स एक सिटिंग अरेंजमेंट ये है। प्रॉपर रूम के साथ सीट्स रिजर्व हैं। देखिए, रूम नंबर 100 और रिजर्वेशन फॉर रूम नंबर 100, यानी पूरी प्रिकॉशन ली हुई है। ऐसा नहीं है कि जो जहां बैठ जाए। हर जगह इन्होंने दिया जला रखा है, फ्लावर्स हैं, एक बहुत ही अच्छी सी वाइब यहाँ आती है। ये देखिए, कल ही इसमें कोई फैमिली अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी, तो ये बर्थडे का पीछे लगा हुआ है। ये ऐसे कॉटेज टाइप हैं, कॉर्नर्स हैं। ये देखिए, तो बहुत सुंदर। इसको आप अपनी मर्जी से डेकोरेट कर सकते हैं। ऐसे डिफरेंट कॉटेज हैं। सत्यभामा नाम है, ये वाटिका है, तो अलग अलग नामों से दिया हुआ है। और इसी के साइड में है ये स्विमिंग पूल, सुंदर सा, बहुत ही सुंदर।
वेरी नाइसली अरेंज। टाइम आप देख सकते हैं जहाँ भी आप बैठे हैं, जगह जगह इन्होंने टाइमिंग दिए हैं। ये भी सिटिंग अरेंजमेंट है, ये चाय कॉफी की तैयारी चल रही है। इधर भी आपका सिटिंग अरेंजमेंट है, और कोविड की वजह से इन्होंने अपने रूम के हिसाब से टेबल्स को बुक किया हुआ है। आप बूफे लेकर बार बार उठकर कोई दूसरी चेयर नहीं चेंज कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा व्यू है, आप खाना खा रहे हैं, दोनों तरफ ग्रीनरी है, इधर डेजर्ट्स सर्व करने की तैयारी हो रही है। मैंने इनसे परमिशन ली है कि आप मुझे, जब तक कोई बैठा नहीं हो तो आप मुझे अलाउ कर दीजिए मैं आपकी प्रॉपर्टी का ऐसे ले सकूं। तो थैंक यू सो मच, दे हैव गिवन मी परमिशन, क्योंकि जब गेस्ट बैठे होते हैं तो अच्छा नहीं लगता उनकी फ़ोटोज़ इसमें आए। ये डिस्क है, आप फैमिली के साथ आए हैं, आप यहाँ डांस कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं। आप कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है, यू कैन बुक। ये देखिए व्यू, जहाँ से भी आप चाहें ना, जिधर से भी आप निकलें, ये बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हर चीज बहुत सुंदर है। बहुत ही नीट एंड क्लीन, और पूरा ये इसको साफ करते हुए बहुत ही सुंदर, हर जगह दिए जलते हुए, हर जगह बहुत सुंदर। बूफे लग जाएगा तो मैं उसकी आपको फोटो जरूर शेयर करूंगी, बट अभी तैयारी चल रही है। ये देखिए ये ब्यूटीफुल सी पेंटिंग जो है, इसमें चार चांद लगा रही है। आप देखिए लेडी के लिए कितना अच्छा लिखा हुआ है, वुमेन इज द हार्ट ऑफ अ होम, नारी शक्ति, हैप्पी वाइफ इज अ हैप्पी लाइफ। बहुत अच्छी कोटेशन। और सीधे साथ साथ ये भी एक मैसेज है कि डोंट वेस्ट फूड, टेक ओनली एज मच एज यू नीड एंड फिनिश इट ऑल। यस, मैं इसमें कहती हूँ, आपको आज सजेशन देती हूँ कि हमें फूड जो है वो वेस्ट नहीं करना चाहिए। बूफे का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी प्लेट भर लें और आप उसको वेस्ट करें। इनके सर्टिफिकेट्स हैं, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर व्यू, बहुत ही अच्छी डेकोरेशन, हर चीज़ को इन्होंने बहुत अच्छे से संवारा है। ये देखिए, और ये आप टाइम देख सकते हैं, मॉर्निंग के 7:30 है, 8:30 से बुफे स्टार्ट होता है, और हमें इन्होंने परमिशन दे दी है। ये देखिए बहुत ही सुंदर, हर कॉर्नर को इन्होंने बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है। हम चाहें तो बहुत कमियां निकाल देते हैं, बट ब्यूटीफुल व्यू। आप इस नजर से देखिए कि इनकी कितनी मेहनत है।
ही नीट एंड क्लीन किचन है और वेरी नाइसली अरेंज्ड, बिल्कुल हर चीज़ बहुत अच्छे से साफ, बहुत नाइसली मैनेज्ड। वाटरमेलन जूस बनाने के लिए ना शेफ, तो इसमें आप शुगर ऐड करते हैं कि नहीं ऐड करते हैं? नहीं ऐड करते, इट्स प्योर जूस ना। थैंक यू सो मच, सी हाउ नाइसली इज कटिंग एंड कीपिंग ईच एंड एवरीथिंग रेडी फ्रेश। देखिए किचन के साथ भी ग्रीनरी दिखाई दे रही है और बहुत सुंदर व्यू। ये देखिए डोसा पीसने के लिए बहुत बड़ी सी मशीन रखी है, ये इनके फ्रिज हैं जिनमें सामान रखा है, बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज किया हुआ है। हेलो शेफ, गुड मॉर्निंग। ये देखिए जो भी ये मटेरियल बनाते हैं, यानी आज अगर ब्रेकफास्ट मेन्यू इनका पाव मिसल पाव है, तो ये सब यही होम प्रिपरेशन है इनकी। देखिए कितने अच्छे से नाइसली अरेंज है, वेरी नीट एंड क्लीन। थैंक यू सो मच शेफ आपका दिखाने के लिए। ये इनके अवन हैं, बहुत सुंदर, सब कुछ नाइसली मैनेज है। ये हैं स्वप्निल गायकवाड़, हेलो सर। ये इन्होंने हमें बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और सारा बताया कि इनका सब प्रेपरेशन जो है वो इन हाउस है, एक्सेप्ट आइसक्रीम कभी लेनी हो तो, अदरवाइज सारा इनका यहीं पे बनता है, सब इनके सामने है, तो सब कुछ प्योर है। थैंक यू सर। हेलो शेफ आकाश, गुड मॉर्निंग। ये हैं शेफ आकाश और ये हमें बनाना सिखा रहे हैं उसल पाव। उसल, ओके ठीक है शेफ, ये आपने जो तैयारी की है ये आप मुझे बता दीजिए। ये देखिए इन्होंने करी लीव्स ली हैं, ये रेड चिली को, रेड चिली का पेस्ट है जो भिगा के हम पीस लेते हैं, और ये उसल मसाला है जो इनका सीक्रेट मसाला है, ये नहीं बताएंगे। और ये हरा धनिया है कटा हुआ, ये दो तीन तेज पत्ता है, दालचीनी है, कुछ काली मिर्च है, टोमेटोज को इन्होंने कट कर लिया है, 3-4 टोमेटोज हैं, 2 अनियंस हैं, 2 प्याज हैं, 4 टमाटर हैं, सफ़ेद मटर को इन्होंने बॉईल कर लिया है, और ये मूंग है, ये अंकुरित मूंग है, इसको भी बॉईल कर लिया है, हल्दी और नमक डाल के बॉईल है, और ये एक बॉईल किया हुआ आलू है बड़ा सा, जिसके छोटे छोटे पीस कर दिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये शेफ डाल रहे हैं इसमें ऑयल, ये राई डाल रहे हैं सर, मस्टर्ड सीड्स, जीरा 1 चम्मच, और ये खड़े मसाले जो हमने दिखाए थे आपको, ये ऊपर से डाल दी प्याज, गोल्डन ब्राउन करना है, गोल्डन ब्राउन। ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो रही है, देखिए लगातार चलाते हुए शेफ इसको भून रहे हैं, अब गैस को कम कर दिया है, अब डाल रहे हैं मसाले, हल्दी डाली है, मिर्ची, रेड चिली पाउडर, किचन किंग मसाला,
धनिया पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, ये सारे मसाले डाल दिए हैं और नमक स्वाद के अनुसार, नमक के बिना कोई स्वाद नहीं आता है। और इसको लगातार जल्दी से भूनना है ताकि ये मसाले जले नहीं। इसके साथ डाल रहे हैं हम ये रेड चिली पेस्ट करीब 1 टेबल स्पून और ये उसल मसाला 1 टेबल स्पून। और देखिए क्या खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी। अब हम डाल रहे हैं कटा हुआ टमाटर, ये 1 कप के करीब है। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और बिना वीडियो को कट किए हुए मैं आपको दिखा रही हूँ। अब डाल रहे हैं हम इसमें बॉईल किया हुआ मटर जो 1 कप है, और 1/2 कप के करीब ये मूंग है बॉईल किया हुआ, इसको डाल रहे हैं। और साथ ही में आलू डाल रहे हैं। तीनों चीज़ें हम इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से पकाएंगे। आज ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे ये सीखने के लिए। आई एम वेरी थैंकफुल ऑफ द स्टाफ ऑफ प्रकृति रिजॉर्ट। और अब हम डाल रहे हैं इसमें ये धनिया कटा हुआ, देखिए क्या सुंदर कलर आया है, कितना फटाफट बन गया है, बहुत ही सुंदर। और शेक करें, इसको 1-2 मिनट पकाना है क्योंकि ऑलरेडी सब चीज़ें जो हैं वो पकी हुई हैं। और टमाटर भी इतना बारीक कटा हुआ था कि अच्छे से देखिए मिक्स हो गया है इसके अंदर। थोड़ा सा डाल रहे हैं इसमें हम पानी, जैसी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए। और अब हम इसको फिर से पकाएंगे। और ये थोड़ा सा हर चीनी डाली है, शुगर डाली है शेफ ने, 1/2 टीस्पून, हाँ 1/2 टीस्पून डाली है। और बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, गजब। ये ऑथेंटिक है, जैसे यहाँ पे बनाते हैं वैसे ही है ना शेफ? हाँ, तो ये हमें भी नहीं आता था और बहुत अच्छे से ये सिखाया है। तो आई एम वेरी हैप्पी टुडे। कटा हुआ धनिया ऊपर से सर्व कर दिया, इट्स रेडी शेफ। सो थैंक यू सो मच, यू हैव गिवन योर मोस्ट प्रेशियस टाइम टू अस, थैंक यू सो मच। और ये देखिए, ये ऐसे शेफ ने सर्व किया है, ये साथ में प्याज है कटा हुआ, और ये नमकीन है, ये पाव है, लेमन है, और ये उसल है। तो थैंक यू सो मच फॉर सर्विंग एंड शोइंग अस, थैंक यू। अच्छा, स्वीट्स और नमकीन जो साथ में रखी है, ये जो नमकीन है ये बता रहे हैं कि ये भी यहीं पे बनती है। वेरी गुड। आपका नाम सर? स्वप्निल गायकवाड़। स्वप्निल गायकवाड़ जी, थैंक यू सो मच। ये सारा डिस्प्ले है, ये देखिए पापड़ हैं, डिफरेंट सैलेड्स हैं, डेकोरेशन ऑफ द सैलेड्स देखिए, ये है बहुत ही वंडरफुल प्रिपरेशन। मैं आपको कहूँगी आप ज़रूर एक बार विज़िट कीजिए। ये शेफ बना रहे हैं पास्ता, लाइव पास्ता कॉर्नर है ये।
वांट आप वो ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत नीट एंड क्लीन। शेफी हर्ब्स है ओके, ओरिगेनो, ऑलिव्स हैं, रेड चिली है और ये देखिए सर्व कर दिया है। ग्रेट। ये पूरा स्टाफ बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही फास्ट काम करने से के लिए एक और प्लेट ये दूसरा पास्ता की तैयार कर रहे हैं। चिली प्लेट्स। और ये मैनेजर हैं यहाँ के जिन्होंने हमें कोऑपरेट किया है, थैंक यू वेरी मच सर। ये पास्ता इन व्हाइट सॉस है। वेरी नाइसली डन। चीज, ऑरिगेनो, और ये देखिए सर्व कर रहे हैं। वाओ, ग्रेट, अमेजिंग। यस, ये देखिए शेफ यहाँ रुमाली रोटी बना रहे हैं और बहुत अच्छे से इन्होंने हमें कोऑपरेट किया है कि हम आपको ये लाइव रुमाली रोटी बनते हुए दिखा सकें। एंड ही इज एक्सपर्ट ऑफ दिस। पूरा स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव, बहुत अच्छा है। और ये देखिए एक्सपर्ट्स के हाथ कितने अच्छे से ये, वाओ, ग्रेट। और ये देखिए, वाओ, वंडरफुल। मैं आपको क्लोजअप में दिखाती हूँ कितने अच्छे से ये रुमाली रोटी जो है वो बनकर तैयार है। एक्सपर्ट हाथ हैं। और ये देखिए ये यहाँ पर रेडी भी रखी हैं कुछ जो इस टाइप से हैं, और इस टाइप से ये रुमाली रोटी बनकर तैयार है। देखिए, फैंटास्टिक। थैंक यू सो मच शेफ। थैंक यू सर। प्रेसिडेंट हैं यहाँ के और इन्होंने, आपका नाम सर? उमेश जी। और इन्होंने हमें बड़ा काइंडली अलाउ कर दिया ये सब देखने के लिए, तो स्पेशल थैंक्स बनता है सर। थैंक यू सो मच, आपने मुझे परमिशन दिया। और मैं सर का नंबर शेयर कर दूंगी आपको, अगर यहाँ आना है कोई बुकिंग से रिलेटेड है, वैसे सब ऑनलाइन है, बट अगर आप पर्सनली बात करना चाहें तो सर से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।